नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार संख्यापति पढ़ रहा हूँ। दोस्तों मैथ में स्टार्ट करते हैं संख्यापति। संख्यापति दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, 6784 गुणा 786 प्लस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 6784 गुणा 214। हल करिए दोस्तों इसको। तो इनको वही कॉमन सब देखा दोस्तों, प्लस से इधर पहले और प्लस के बाद में 6784 गुणा 784 786 यहाँ पे प्लस का निशान है, तो प्लस 214। इनको जोड़ेंगे 6 4 10 8 9 10 7 9 10 1000। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया दोस्त। अब आप इनको गुणा करोगे, फिर इनको गुणा करोगे, फिर प्लस करोगे, बहुत लेंथी पड़ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन शब्द है उसको बाहर लिख लेंगे दोस्तों। तो कॉमन शब्द कौन सा है, 7 6784। तो 7 6784 को बाहर लिख लिए दोस्तों, और 786 प्लस 214 कोष्टक में इनको जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्लस का निशान हो तुमको जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर माइनस का निशान होता तुमको माइनस कर देंगे दोस्तों। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1000 आ गए दोस्तों। फिर 6784 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आ गया दोस्तों अपना। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, 8765 गुना 974 माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान है दोस्तों, 8765 गुना 874 दोस्तों। इसको हल करिए दोस्तों, तो यहाँ पे कोई कॉमन शब्द दिख रहा है दोस्तों आपको, 8765 दोस्तों, 8765 कॉस्ट, यहाँ पे क्या है 974 दोस्तों, 974। तो यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस करेंगे दोस्तों, और 874 हल करेंगे दोस्तों। 8765 इंटू 974 में से 874 गया तो 100 बचा दोस्तों, इनको गुणा कर देंगे दोस्तों, अपना आंसर आ गया दोस्तों 876500 आंसर आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। अक्ष का मान याद करिए दोस्तों, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस अक्ष क्या होगा दोस्तों,
यहाँ पे बराबर का निशान है दोस्त, इनको पहले प्लस नहीं करना दोस्तों, कहीं आप इनको जोड़ दो। पहले यहाँ पे बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा होगा दोस्तों आपने, बोर्ड मास का नियम कहता है दोस्तों पहले कोई बार हो का मतलब का हो, बी का मतलब हाफ हो या डिवाइड, एम का मतलब गुणा हो, ए का मतलब प्लस हो, एस का मतलब सबसे माइनस हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बार का निशान है नहीं, का है, तो पहले हम गुणा करेंगे दोस्तों। तो यहां से करेंगे 950 गुणा 64, प्रतिशत लाएंगे तो नीचे से बात होगा दोस्तों, 0 से 0, 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, 32 को काटे 32 बार गया 64 को, तो इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, 475 प्लस गुनी दुनी 38 गुनी दी 57, 57 और 3 60, सही है दोस्तों, 608। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो 608 प्लस 475, 8 5 13, 8 6 7 10, 1083 आए दोस्तों बराबर। 900 x का मान करेंगे, x इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 1083 माइनस 900 और x बराबर 1083 माइनस 900, तो 1083 माइनस 900 करेंगे तो x बराबर 183 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस नहीं करना दोस्तों, बोर्ड मास का नियम के अनुसार पहले यहाँ पे गुणा होगा दोस्तों, 950 गुणा 64 बटा 100, प्रतिशत आएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों, इसको हल करेंगे तो 608 आ गया दोस्तों, 475 में 608 जोड़ेंगे तो 1083 आ गया दोस्तों, और 1083 बराबर 900 प्लस x है, तो x को जाके इधर करेंगे दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर 183 आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। हल करिए दोस्तों, 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, इसको हल करना है दोस्तों, करिए दोस्तों हल। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, ये भी प्लस किए ये भी प्लस किए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10916 दोस्तों, ये भी प्लस की है ये भी जुड़ जाएगी दोस्तों, तो इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 14944 ये माइनस किए तो 14944 में से 14944 में से 8050 निकाल देंगे दोस्तों, यहाँ पे था दोस्तों 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 दोस्तों, तो ये भी प्लस किए ये भी प्लस किए और ये भी प्लस किए दोस्तों, ये 8050 माइनस के दोस्तों, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे दोस्तों, इन तीनों को जोड़ने पे 14944 आए दोस्तों,
14,944 में से 8,050 माइनस करेंगे दोस्तों तो 6,894 आ जाएगा दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। हल करिए दोस्तों, 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2 हल करिए दोस्तों। दोस्तों हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स कराएंगे दोस्तों, राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों किया, अब आप इनको मिश्र संख्या इनको भी साधारण बिंदु बदलोगे फिर करोगे, तो क्या करते हैं दोस्तों पहले ये संख्या ले लेते हैं दोस्तों। सही है, तो 1111 यहाँ पे 111 यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1 इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, 4 3 2 1 सही है दोस्तों, 1234 आ गया दोस्तों। अब 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 सही है दोस्तों, इसको हल करेंगे, एलसीएम 2 1 2 3 4 4 आ गया दोस्तों, 4 में 2 का भाग देंगे 2 2, ये हो गया दोस्तों तो 1234 आया दोस्तों, उसमें 2 और ऐड कर देंगे क्योंकि 1/2 1/2 1/2 ना इनका गया 2, तो 1236 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। सही है दोस्तों, अब हल कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2 तो इनको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले साधारण बिंदु ना उनको एक तरफ लिख लेंगे, उनको जोड़ देंगे दोस्तों। अब आप देख रहे हो क्यों जोड़े एक तरफ लिख के, क्योंकि ये मिश्र बिंदु है दोस्तों, मिश्र बिंदु वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे और साधारण बिंदु वाली को एक तरफ कर लेंगे दोस्तों, और जो बड्डी उसको ऊपर लिखेंगे फिर धीरे धीरे नीचे लिखते रहेंगे दोस्तों, और इनको जोड़ेंगे तो 1234 आया दोस्तों, और ये 1/2 1/2 1/2 1/2 इनको जोड़ा तो 2 आया दोस्तों, 2 भी इसमें ऐड कर देंगे तो 1236 आ गया दोस्तों। सही है दोस्तों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा, आप हल करिए दोस्तों। हाँ दोस्तों क्वेश्चन को हल करिए, 2 से 1/2, 22 से 3/2, 222 से 4/2, 2222 से 5/2, हल करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। अब आप पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसी पर का ये भी हल होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों पहले बड़ी वाली संख्या लेंगे, इनको ऐड कर देंगे दोस्तों, इनको ऐड किया तो 2468 आया दोस्तों। ये तो थी साधारण संख्या जिसको ऐड कर लिया दोस्तों, अब लेंगे बटे वाली संख्या दोस्तों, 1/2 + 3/2 + 4/2 2 + 5/2 2,
एलसीएम लेंगे दो, तो 1 + 3 + 4 + 5 इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 3 × 4 = 8, 8 × 5 = 13, 13/2, 13/2 में कितना है 6.5, 6.5 इसमें और जोड़ देंगे दोस्तों, तो 2468 + 6 और 1/2 सही है दोस्तों, 2474 सही है, 1/2। क्या किया हमने, पहले साधारण संख्या थी उनको लिखा, उनको ऐड किया दोस्तों, बाद में बटे वाली संख्या को इधर किया और उनको ऐड किया और लिखा दोस्तों, तो इनको ऐड करने पे 13/2 आया, 13/2 में 13 में 2 का भाग दिया तो 6.5 आया दोस्तों, 6.5 को भी इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, 6.5 को इसमें ऐड किया तो 2474 सही है, 1/2 सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, तो ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों। हजार में छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन हमारा, हजार में छोटी से छोटी संख्या क्या कठाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए, कौन से विभाजित हो जाए, हाँ दोस्तों हजार में छोटी छोटी संख्या क्या कठाई जो पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाए दोस्तों, हल करिए दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या याद देना इसमें, और आप विभाजित करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, हजार में 19 का भाग 95 दोस्तों, 5 × 95 57 ज्यादा हो गए दोस्तों 50 से, तो 38 तो शेष को क्या बचा 12। अगर हम हजार में से 12 घटा दें दोस्तों, ये 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों, करते हैं दोस्तों, हजार में 12 गया 988 बचा दोस्तों, सही है दोस्तों 988 में 19 का भाग देंगे दोस्तों, 95 और 2 × 38 पूरा पूरा चला गया दोस्तों, 988 में पूरा पूरा चला गया दोस्तों। हमने क्या किया, हजार में 19 का भाग दिया दोस्तों, शेषफल क्या बचा 12 बचा दोस्तों, शेषफल क्या बचा 12 बचा दोस्तों, तो हम हजार में से अगर 12 घटा दे तो पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों, हमने हजार में से 12 घटाया तो 988 आया दोस्तों, 988 में 19 का भाग दिया तो 52 बार पूरी पूरी बार चला गया दोस्तों, शेषफल क्या बचा 0। अगर हजार की जगह 988 संख्या होती तो वह 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती दोस्तों, सही है दोस्तों। आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, इसका ही आपको करना है दोस्तों। क्वेश्चन है 8755 में छोटी छोटी संख्या क्या घटाएं दोस्तों जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी हमने किया था वैसे ही इसको भी करना है दोस्तों। इस संख्या में 8755 में 13 को भाग देना है दोस्तों, जो शेष पद बचे उसमें को 8755 में से माइनस करना है दोस्तों। करिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों 8755 में हमने दिया 13 का भाग दोस्तों, 13 पच्चू 65, 13 6 78, 13 7 91 ज्यादा होगा, 13 6 78 दोस्तों, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 में 13 1 13 13 26 52, 13 3 39, 52 तो ज्यादा हो गया, 45 किया तो क्या बचा, 6 बचा। अगर हम 8755 में 6 माइनस कर दे तो ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो 8755 में हमने 6 माइनस किया दोस्तों, 8739 है दोस्तों, हमने 6 माइनस किया, 8739 है दोस्तों, 8739 में 13 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा दोस्तों। करते हैं दोस्तों, देखो आठ हजार सात सौ उनचास देंगे दोस्तों, 13 6 78, 13 7 91 और 13 3 39, क्या बचा 0, तो ये 13 से विभाजित हो गया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों।